रचनाकार शिक्षिका एवं कवित्री नुसरत अतीक गोरखपुरी की दो गजल संग्रह उर्दू एवं हिंदी एहसास की अमर बेल का लोकार्पण विजय चौक स्थित एक होटल के हॉल में प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अजीज अहमद, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, विशेष सचिव परिवहन डॉक्टर अखिलेश मिश्र, वरिष्ठ रचनाकार टी एन श्रीवास्तव वफा गोरखपुरी, प्रोफेसर कुमार हर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर कलीम कैसर, कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर अफरोज आलम, रोटेरियन अरविंद चौधरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजीज ने कहा कि नुसरत अतीक ने एहसास की अमर बेल पुस्तक को दोनों भारतीय भाषाओं में लाकर इसका सबूत दिया है कि एहसास की अमर बेल मानवीय संवेदनाओं का काव्यात्मक दस्तावेज है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कवित्री नुसरत अतीक ने कहा, उसका हम अपने बैनर के तले रस्म इजरा करेंगे, रुनमाई करेंगे। लोग याद आ रही है 1400-1500 सफ़े की, मतलब जिंदगी में जितना उन्होंने लिखा सब जगह इकट्ठा कर दिया, उसकी वजह से इजरा ऐसी शान और शौकत के साथ होगी कि वो तशरीफ लाएं और वो आशान पेश हो। मेरे बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, सम्मानित महिलाओं, इधर पिछले 10-5 सालों में शहर में तो सहाफ़ी शायर अदीब ड्रामा निगार जनाब एम कोठवाही रहे, जो शायरी मुल्क के बाहर के बहुत से शायरात के हम पल्ला, जैसे परवीन छाके, अदा जाफरी, असना के एक शादी समारोह में जब पंडित जी ने खेरे से पहले कहा कि कुछ मतलब ये कि अब रोशन शहजाद इसको पढ़कर वो जहन क्यों ना रोशन, भरपूर रोशनी है एहसास की अमर बेल। बहुत बहुत मुबारकबाद राकेश भाई, मनु गौतम साहब, मेरी आवाज़ गौतम सहारा में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा नुसरत के लिए, तो खूबी है कि हर नए लिखने वालों को अपने कलम से इतनी ऊंचाई दे देते हैं। जब वो गोरखपुर से जनाब काबिल भाई से और कलाम के बारे में पूरा बकायदा उसका साइड में खड़े, मेरा नाम नुसरत अतीक है, मैं एक कवित्री और शायरा हूँ। मैं हिंदी उर्दू दोनों ज़बानों की में कलाम अपना कहती हूँ, रचनाएं करती हूँ। तो मेरा एक संग्रह आ रहा है जिसका नाम है एहसास की अमर बेल। आज यहाँ उसी का विमोचन है और अगर उर्दू में कहें तो आज उसका यहाँ रस्म इजरा हो रहा है। मेरी दो किताबें आ रही हैं हिंदी उर्दू दोनों ज़बानों में, जिसका नाम है एहसास की अमर बेल।